हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल हमने पहले से बना रखी है, तो आइए इसमें ही हम क्या करते हैं, एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और फिर हम क्या लिखते हैं, अपने टेबल का नाम लिखते हैं। तो हमारे टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, और उसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा डिपार्टमेंट नंबर आएगा, तो डिपार्टमेंट नंबर। फिर क्या आएगा, हमारा डिपार्टमेंट नेम आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ, स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, हमारा कंट्री का नाम या लोकेशन जो भी है, तो मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, इसको बंद कर दिया। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि हमारा ये शो हो रहा है नहीं। हम क्या करेंगे, हम सबको प्रिंट करवा के देख लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट, आई होप आपको अब तक याद हो गया होगा कि हम ऑल के लिए एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम। मुझे सारा डेटा चाहिए डिपार्टमेंट से। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये गाइस देखिए कि हमने क्या किया था, हमने इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की हेल्प से एक नई रो एंटर करवाई थी, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट नंबर था 5। देखो, डिपार्टमेंट नंबर था 5, हमारा डिपार्टमेंट नेम था स्पोर्ट्स, और हमारा जो लोकेशन थी वो क्या थी, इंडिया। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट इनटू का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ पुट योर डाउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।